नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं नीलम कोठारी सोनी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नीलम कोठारी सोनी वो एक भारतीय एक्ट्रेस और आभूषण डिजाइनर है। वो 1989 की बॉलीवुड फिल्म घर का चिराग में किरण की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उनका जन्म 9 नवंबर 1967 को हांगकांग में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हांगकांग के आइलैंड स्कूल से पूरी की और स्कूल में रहते हुए वह रदरफोर्ड हाउस की सदस्य थी। कुछ साल बाद उनका फैमिली बैंकॉक आ गया और एक दिन जब नीलम मुंबई में छुट्टी पर थी तो फिल्म डायरेक्टर रमेश बहल ने उन्हें देखा और इन्हें फिल्म जवानी में अभिनय करने की पेशकश की। वो एक गुजराती ईरानी फैमिली से ताल्लुक रखती है। नीलम कोठारी शिशिर कोठारी जो एक बिजनेसमैन है उनके पिताजी और परवीन कोठारी पूर्व मॉडल उनकी माँ है उनकी बेटी है। उनका एक बड़ा भाई ऑप्शन कोठारी है। नीलम कोठारी कभी बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के साथ रिश्ते में थी। दोनों ने अलग होने से पहले लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। उनके सलमान खान के साथ रिश्ते में होने की भी अफवाहें थी। नीलम ने 2021 साल में ऋषि सेठिया से शादी की जो ब्रिटेन के एक व्यवसायी के बेटे थे। शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। कोठारी यानी कि नीलम को तब एक्टर और मॉडल समीर सोनी में प्यार मिला। दोनों ने 2011 में एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए और 2 सितंबर 2013 को आहना नाम की एक लड़की को गोद लिया। नीलम कोठारी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में फिल्म जवानी से सनम की भूमिका निभाकर की थी। इसके बाद वो अंदाज प्यार का खुदगर्ज खतरों के खिलाड़ी सिंदूर और घराना जैसी फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म घर का चिराग में किरण की भूमिका निभाकर अपार लोकप्रियता हासिल की। उनकी कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में अग्निपथ इंद्रजीत संतान कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ शामिल है। उन्होंने 2001 में फिल्म कसम में अभिनय करने के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया और 2004 में नीलम ने ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में काम करना शुरू किया और 2011 में उन्होंने नीलम कोठारी फाइन ज्वेलर्स नाम से मुंबई में एक ज्वेलरी स्टोर खोला। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज फैब्यूलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स के साथ खुद के रूप में अपना डिजिटल मीडिया डेब्यू किया। बचपन में ही उन्होंने कीबोर्ड बजाना सीखा। उन्होंने जैज और बेले डांस फॉर्म भी सीखे। अपने अभिनय करियर की शुरुआत में वह हिंदी लैंग्वेज नहीं जानती थी और उनको खाना बनाना और घूमने का बहुत ही शौक है। 20 साल से अधिक अपने करियर में उन्होंने गोविंदा के साथ 14 फिल्मों में काम किया है जिनमें 8 बहुत ही हिट रही थी। दोस्तों ये सफर था नीलम कोठारी के जीवन के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे।